मंजू दत्ता झूठ बोल रही है क्या? तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की? 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है। हमारे इंग्लिश के ये मीडिया वालों के मुंह पे इंग्लिश के वर्ड मारने से इंसान सच हो जाता है क्या? कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है, क्यों हंसे ना? हंसे ना? राखी मैम स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी जो अभी चल रहा है तनुश्री दत्ता का मी टू मूवमेंट को लेके नाना पाटेकर? अरे भाड़ में क्या तुम्हारा मी टू मूवमेंट है ना? मुझे इसमें बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करनी थी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मीडिया वालों से भी बात करूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इसका जवाब दूं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं बोली हूं लोगों को ने मीडिया ने यही बताया कि मैं कंट्रोवर्सी करना चाहती हूं। अभी यहां से मेरा कोई लेना ही देना ही नहीं कंट्रोवर्सी का। मैं तो मीडिया के सामने आना भी नहीं चाहती। आपने देखा कितने टाइम से मैं मीडिया में नहीं आना चाह रही थी। क्यों? क्योंकि राखी सावंत कुछ भी करती हो तो आप लोग बस यही कहते हो कि मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत है। अगर मुझे पब्लिसिटी चाहिए तो मैं कहीं से भी कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बट क्योंकि मीडिया वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था रोज़ फ़ोन कर करके कि जवाब दो जवाब दो, क्योंकि गाना आपने रिप्लेस किया था तनुश्री दत्ता का, यू नो जवाब दो। तो इसलिए आज मैं जवाब देने आई हूँ। और पूछिए आपका क्या क्वेश्चंस है। आपको क्यों रिप्लेस किया गया था और आपको किस वजह से कॉल आया था? नॉर्मली आपको पता चला कि तनुश्री उससे पहले थी गाने में, फिर वहां से चली गई? तनुश्री उस गाने में थी। गाने का कुछ सॉन्ग था कुछ नथनी उतारो, यू नो नथनी उतारो, तो ऐसा कोई गाना था। पहले तो मैं घर में बैठी थी और रेस्ट कर रही थी शाम के टाइम पे, और सडनली मास्टर जी का कॉल आया मुझे, गणेश आचार्य जी का, कि राखी जल्दी आ गाना करना है। मैंने कहा मास्टर जी गाना तो भेजो, गाना कैसा है? तो तुझे क्या करना है? मैं गाना कर रहा हूँ, तू आ जा गाना कर। मैंने कहा मास्टर जी अभी आऊँ? बता हाँ। मैंने कपड़े तो बनाने पड़ेंगे ना? नहीं कोई ज़रूरत नहीं कपड़े बनाने की, तू आ जा। मैंने कपड़े के ऐसे कैसे आ जाऊँ? मेरे लिए एक शौक था। फिर नाना पाटेकर जी ने भी बोला राखी तू ये लो कर आनी ये गाना कर पटकन। उनका भी फ़ोन आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जब तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं। और मैंने कहा मास्टर जी आप बोल रहे हो, क्योंकि मास्टर जी के साथ मैंने बहुत सॉन्ग किए और मास्टर जी इतने अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके साथ बहुत सॉन्ग किए और उनको मेरे पे पूरा विश्वास था, ना रिहर्सल ना कुछ। मैं बस ऐसे पागलों की तरह चुपचाप सेट पे चली गई। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया तनुश्री दत्ता का, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, कुछ नहीं बताया। बोलता तू आ जा और गाना कर। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा ऐसे प्रॉब्लम हुए हैं या ऐसी लड़ाइयाँ हुई है। तो जब मैं सेट पे गई तो वैन, एक वैन थी, मेकअप वैन थी, तो वैन के पीछे लोग थे, मीडिया थी या कुछ कुछ पता नहीं, वहाँ पे कुछ तोड़फोड़ हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने पूछा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैंने बोला ये क्या हो रहा है मास्टर जी? तो बोलता है राखी ये गाना तनुश्री दत्ता का था, तनुश्री दत्ता इस गाने में थी, हम लोग ने थोड़ा शूट भी किया, शायद शूट भी किया था, उसने कुछ कॉस्ट्यूम पहना था और नथनी वगैरह पहन के। और बोला कि 4-5 घंटे से हम लोग वैन में पूछ रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, 2-3 शॉट उसने शायद दिए, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। मैंने कहा क्यों? और उनके मेकअप आर्टिस्ट, उनके हेयरड्रेसर को भी मैं जानती हूँ और मैं फ़ोन भी कर रही हूँ उनको, मतलब जब पता चला तो मैं तनुश्री को मैं जानती हूँ ना, तो मैंने फ़ोन बोले शायद चलो मैं फ़ोन करूँ तो शायद उठा ले, क्योंकि ये डायरेक्टर गए तो दरवाज़ा नहीं खोला, प्रोड्यूसर गया तो दरवाज़ा नहीं खोला तनुश्री दत्ता ने, कोरियोग्राफर गया तो दरवाज़ा नहीं खोला। उस टाइम पे डेजी शाह मास्टर जी की असिस्टेंट थी और उसी ने मेरे को पूरा डांस सिखाया। डेजी शाह गई कितनी बार, 10 बार, तो भी तनुश्री ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने उनके मेकअप और हेयर वालों को बोला कि क्या हो रहा है, तब मुझे उन्होंने बताया कि मैडम तो 3-4 घंटों से बेहोश है अंदर। मैंने बोला क्यों? शायद ये जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है अमेरिका रिटर्न, आज मैं पूरा मीडिया के सामने रिवील करूंगी और मैं किसी के बाप से नहीं डरती,
ईश्वर के अलावा किसके बाप से नहीं डरती, न मीडिया से डरती हूँ, न किसी से डरती हूँ। वो डोप लेके, ड्रग्स लेके, डोप लेके अंदर 4 घंटे बेहोश थी, समझ रहे हो डोप क्या होता है। मेरे को तब उससे 10 साल पहले तो मुझे मालूम ही था क्या डोप लेके क्यों बेहोश है, क्या है। कोई आर्टिस्ट ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा कि डोप लेके बेहोश है अंदर और दरवाज़ा नहीं खोल रही है, ऐसा क्या हो गया, एक्सक्यूज़ मी आप उस तरफ जाइए, क्या हो गया है। और मैंने भी दरवाज़ा ठोका, मैं बोली क्या हो रहा पता नहीं। फिर मैंने, मुझे ज़िंदगी में एक आर्टिस्ट के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक आध उसके कपड़े पहनने पड़े, यू नो, और 2 जोड़ी में इमीडिएटली, जब तक एक कपड़े पहन के मैं थोड़ा डांस करती हूँ तब तक मेरा कोई डिज़ाइनर, रेजा मेरा डिज़ाइनर था, ऑन द स्पॉट कैसे भी कपड़े को मैनेज करके वो ले आया सेट पे। और मुझे सिर्फ गणेश आचार्य जी ने, नाना पाटेकर जी ने इतना ही बोला, राखी ये कॉन्ट्रोवर्सी, ये सब लफड़े मत देख, अभी फिलहाल तुझे सिर्फ ये गाना करना है। गाना मैंने सुना, सच बोलूँ मुझे गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया, मैं सच बोलती हूँ मुझे नहीं गाना अच्छा लगा। मुझे बोला या इतना बड़ा सेट लगाया है या तो ये आदमी फांसी ले लेगा, तेरे को उसकी जान बचानी है, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर रोने लगा उस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं करूं क्या, क्योंकि मैं भी सिंटा में हूं, यू नो, मेरा भी कार्ड बना है। और एसोसिएशन का तो ऐसा था कि अगर ऑन सेट कोई काम कर रहा है तो आप उसका काम नहीं ले सकते हैं, यू नो, ऐसा था। अब मैं एसोसिएशन वालों के बारे में सोचूं, तनुश्री के बारे में सोचूं, या एक प्रोड्यूसर आत्महत्या करने जा रहा है, इतना बड़ा सेट लगा के नुकसान हो रहा है, मर रहा है, मैं वो सोचूं, मैं क्या सोचूं। फिर मैंने बोला मास्टर जी ठीक है, अगर आप कह रहे हो मास्टर जी, तो नाना पाटेकर जी बिल्कुल। मैं उस टाइम तो मुझे होशो हवास नहीं था, एक डोप लेके बेहोश पड़ी है, एक सेट पे ये सब बवाल हो रहा है, सेट लगा हुआ है, नाना पाटेकर जी टेंशन में बैठे हैं, मास्टर जी बोल रहे, यार मैं, मास्टर जी उस टाइम चिकनी चमेली और कितने बड़े बड़े गाने उन्होंने किए, यू नो, बड़े उनका कितना लग जा, और डांसर कितने थे, कम से कम 100 से ज़्यादा डांसर थे। तो आप सोचो इतना बड़ा सेट लगाया हुआ, 100 से ज़्यादा डांसर, एक प्रोड्यूसर का पैसा लगता है तो उसकी जान पर कितना आता है ना। तो मैंने उस टाइम उसको रिप्लेस किया, गाना किया, हाँ उसके बाद उसने मेरे पे सू किया, तनुश्री दत्ता ने मेरे को लेटर भेजा, वो मेरा कुछ उखड़ नहीं पाई कुछ। मैंने जाके बता दिया, प्रोड्यूसर ने लेटर दे दिया कि राखी ने तो हम लोग को बचाया है सेंटा में, यू नो, लेटर दे दिया, और बस इस तरह से मैंने उसको रिप्लेस किया। राखी जी आपका बोलने का मतलब ये है कि ये पब्लिसिटी गेन करने के लिए सारा कंट्रोवर्सी हो रही है। ये तनुश्री दत्ता एडी है, पागल है, एक नंबर की झूठी है। लोग मुझ पे दाग लगाते हैं ना, कंट्रोवर्सी, ये क्या कर रही है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इंग्लिश के, ये मीडिया वालों के मुंह पे इंग्लिश के वर्ड मारने से इंसान सच हो जाता है क्या, जो हिंदी बोलता है वो झूठा है क्या, बताओ। मतलब जो हिंदी, जो इंग्लिश नहीं बोलता उसके कोई औकात नहीं क्या इस देश में, बोलो। जो आके अमेरिका रिटर्न पागल एडी कहीं की, ये इसका मन आया डोप लेके सो गई, ड्रग्स लेके सो गई, इसका मन आया 2-4 सेट पे गाली दे दिया, इसका मन आया टकली होकर संन्यास लेने चली गई, इसका मन आया न्यूज़ में, मीडिया वालों में आके इंग्लिश में बात कर करके हमारे सीनियर नेता लेजेंड नाना पाटेकर जी को गाली दे दी, मीडिया से सपोर्ट कर रही है, क्यों क्यों सपोर्ट कर रही है। मैं गवाह हूं और मैं ईश्वर को साक्षी मान के कहती हूं कि मैं एक एक शब्द जो बोल रही हूं बिल्कुल सच है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से वहां पे देखा था। मैं आज भी कहती हूँ वो गाना मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन मुझे जबरदस्ती करना पड़ा। क्यों? मास्टर जी की इज्जत रखने के लिए, नाना पाटेकर जी की इज्जत रखने के लिए, प्रोड्यूसर की जान बचाने के लिए मैंने गाना किया वो, और वो एक नंबर की झूठी है। मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैं अमेरिका में थी, ये लड़की तनुश्री दत्ता अमेरिका में क्या कर रही, तुम्हें लगता अमेरिका में जॉब कर रही हूं? अरे उधर से झूठे मार के तुझे निकाला है तनुश्री दत्ता, बिंदु के घर में तू रुकी थी वहां, क्यों पटा कर रहे हो भाई? बिंदु वहां पे अमेरिका में, बिंदु के घर में आप रुकी थी वहां, और वहां पे ड्रग्स लेके बेहोश होती थी वहां पे, उसकी बेटी को भी सिखा दिया, और तुम वहां पे रुकी थी, न्यूयॉर्क में बिंदु रहती है, मेरी फ्रेंड ने उसको 1 महीना रखा और वो वहां पे रोज ड्रग्स ले रही है, उसको घर से बाहर निकाला। ये अमेरिका में भरत गोराडिया नाम का उसका मैनेजर है वहां पे। जब मैं वहां पे 1.5 महीना रही
तो मैंने देखा कि भरत गोराड़िया सबसे भीख मांग रहा है कि तनुश्री दत्ता को आप काम दो काम दो काम दो, प्रेजेंट दो, ये दो वो दो, वहां रखो, इसके घर में रखो, कभी उसके घर में रुक रही है, किधर कोई जॉब नहीं कर रही है, वहां भटक रही है पागलों की तरह। 10 साल कोमा में थी क्या तू? 10 साल कहां थी तू? कहां थी? झूठ बोल रही है तनुश्री दत्ता, झूठ बोल रही है क्या? तुझे नाना पाटेकर ने छुआ? अभी तेरे में हीरे लगे हैं क्या? झूठी कहीं की? नाना पाटेकर जी जो है लेजेंड है हमारे महाराष्ट्र के फिल्मों के और हिंदी बॉलीवुड के। तेरी औकात भी नहीं कि तेरे मुंह से तू उसका नाम भी ले? रिस्पेक्ट कर, हम मराठा है, हम सबकी इज्जत करते हैं। तू कल की आई हुई और गालियां दे रही है, तुझे क्या लगा कि तू 10 साल के बाद आएगी, मीडिया का सपोर्ट लूंगी, कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन बनूंगी, फिर से फिल्मों में आ जाऊंगी? फिल्मों में तेरा मोस्ट वेलकम है, फिल्म इंडस्ट्री सबकी है, बट तू मीडिया का गलत नाजायज फायदा मत उठा। और मीडिया वालों को भी काम क्या है? क्या काम है? हाँ, कोई भी बड़ी हीरोइन आके बोलेगी कि मेरे साथ मोलेस्ट्रॉल हुआ, ये हुआ 10 साल के बाद है। 10 साल 12 साल पहले मेरे साथ भी मिक्का ने किया था, तो आज 10 साल के बाद वापस मैं आऊं बोलू कि मेरे साथ ऐसा हुआ? ठीक है, मैं मानती हूँ हमारा लॉ है कि कुछ सालों के बाद आप वापस केस ओपन कर सकते हो, उसका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। इतना भी मतलब इतना भी बर्दाश्त के बाहर ना हो कि औरत सर पे मुंहते है ना। तुम नाना पाटेकर जी को, इतने शरीफ इंसान है वो, गाना तो मैंने भी किया ना नाना पाटेकर जी के साथ, गाना तो मैंने भी किया ना, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाया। उल्टा मैं सर को कह रही थी, सर कोई बात नहीं, हम लोग गाना कर रहे हैं, सर तुम्हें मुझे मराठी तुम्हें संगित लो, सर तुम्हें मला मुझे कंफर्टेबल कहीं नहीं। वो तो देखिए नाना पाटेकर जी की जो वो जो एंग्री की भूमिका है ना, वो फिल्मों में है, समझ गए? फिल्मों में है। पर्सनली नाना पाटेकर जी बहुत सॉफ्ट इंसान है, सबकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। छूटा तुमको, तुम 10 साल गायब थी, 10 साल में तुम्हारा वेट बढ़ गया, 10 साल में तुम्हारा काम छिन गया, तुम भिखारन हो गई, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो गया, तो तुमको किसी ने चढ़ाया अमेरिका में या किधर, तो तुम मुंबई में आके मीडिया का सहारा लेके तुम कॉन्ट्रोवर्सी कर रही हो, तो कॉन्ट्रोवर्सी इतना करना, जाओ बिग बॉस हाउस में ना। आप उसका ब्लड अभी भी चेक करा? मैं कहती हूँ आप ब्लड चेक कराओ, और मैं ये कहती हूँ कि उसके पास कोई भी सबूत है तो राखी सावंत हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार है। एक सबूत लाके दिखाए वो। नाना पाटेकर देखिए डांस इंसान करता है, एक सेलिब्रिटी है, दोनों डांस करता, तो क्या तनुश्री पाकिस्तान में खड़ी हो और नाना पाटेकर इंडिया में खड़े होकर डांस करेंगे क्या? आइटम सॉन्ग है तो आप साथ में खड़े होकर डांस नहीं करोगे? थोड़ा बहुत छूना होना नहीं होगा? मेरे को छू लिया, तेरे में कोई नूर हीरे लगे हैं? नाना पाटेकर जी ने कितनी बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ काम किया है। मास्टर जी, मुझे सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि उसने मास्टर जी को भी गालियां दी, उन्होंने प्रोड्यूसर को भी गालियां दी, अभी तो ट्विंकल खन्ना को भी गालियां दे रही है। हालांकि ट्विंकल खन्ना ने उसको ट्वीट किया ना, कुछ उसको सपोर्ट किया, तो ट्विंकल बोलता मुझे किसी की सिंपति नहीं चाहिए। बोलो कि वो अक्षय कुमार को बोलो कि किसी के साथ तेरे बाप का है क्या फिल्म इंडस्ट्री? नाना पाटेकर जी ने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, तू कौन होती है एक झटके में उनके बारे में बुरा बोलने वाली? प्लस राज ठाकरे जी को गाली दिया, क्या 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 बोला, क्या इनकी औकात है, ये है वो है, इतना गंदा। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया? राखी सावंत ने, जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख हराम खोर, हाँ मेरी कोई औकात नहीं, हाँ मैं लोअर क्लास हूं, तू क्या है चरसुल्ली गर्दुल्ली, तू क्या है? हाँ तुझे दो क्लास तेरे बाप ने, तेरे माँ बाप ने तुझे इंग्लिश सिखा दिया, तो हमको आके पढ़ाई पट्टी पढ़ा रही है और चैनलों में बैठ के झूठ बोल के गालियां दे रही है। मैं हूँ लोअर क्लास, तू तो हाई क्लास है ना, तूने क्या किया? मैं हूँ, मेरा कोई कैटेगरी नहीं है, मैं मानती हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन तेरे से ज़्यादा काम किया है ईमानदारी से, तेरी तरह नहीं डोप और ड्रग्स ले लेके काम नहीं किया है, समझी? राखी जो इतने
एक मिनट, वन 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 बाय वन प्लीज। क्या बात कर रहे हो, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 100 डांसर है, 200 पूरा यूनिट है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, सब है। क्या नाना पाटेकर जी ऐसा करेंगे? क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एक रिपोर्टर की वजह से आप बोल रहे हो? नहीं, आप क्या एक असिस्टेंट डायरेक्टर, रिपोर्टर, दूसरे सब झूठ, 500 यूनिट झूठे और तुम्हारे ये दोनों सच्चे? क्या बात कर रहे हो, रिपोर्टर है मतलब भगवान हो गए? नहीं बहन, ये गलत है। जो भी है, नहीं नहीं, कोई भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं कर रहा है तनुश्री दत्ता को, वो सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे बॉलीवुड वाले। यू नो क्यों दिखा रहे? उनको लगा कि चलो, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है, 10 साल पुरानी स्टोरी है, उनको ऐसा लगा अच्छा ऐसा हुआ है कि किसी लड़की के साथ? तुम लोग मीडिया वाले यही तो, अगर आप सिंपैथी ना दिखाओ तो कहेंगे कि जैसे तुम लोग को मुंह तोड़ जवाब अमिताभ बच्चन जी ने दे दिया। तो जैसे अगर सिंपैथी ना दिखाओ तो अरे देखो ये हीरो ने किसी वीमेन की रिस्पेक्ट नहीं की। तो उन्होंने न्यूट्रल कहा कि अगर किसी लड़की के साथ, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस तनुश्री दत्ता नहीं भी होती तो भी सपोर्ट करते, यू नो, अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ है तो ये गलत है। लेकिन उन्हें ये नहीं कहा कि नाना पाटेकर जी ने गलत किया। जब नाना पाटेकर जी ने गलत नहीं किया तो नहीं किया है, अगर उनको करना होता है तो मेरे साथ भी करते, और 1000 हीरोइन है माधुरी के साथ भी करते, उन्होंने इतनी फिल्में करी उनके साथ भी करते, तनुश्री दत्ता के साथ क्यों? उसको ये गाना नहीं करना था, उसको डोप लेके बेहोश होना था। आज भी मैं कहती हूं इमिग्रेशन वालों से, जब वो यहां से यूएस जाते हैं उसका बैग चेक करो, अंदर देखो क्या क्या मिलता है, उसका बॉडी चेक करो। और शिल्पा शेट्टी का बिचारी का लेना क्या देना नहीं ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बैग चेक कर रहे। ये जो कल्पिट है इसको चेक करो ना, इसका ब्लड चेक करो, कितना ड्रग्स मिलेगा देखो। और गाली दे रही है ये, उसके ये कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है वो, उसको वो, नाना पाटेकर के साथ आप काम क्यों कर रहे हो? रजनीकांत ने ब्रेक दिया, तुझे जलन हो गई। अक्षय कुमार काम कर रहा है, तुझे प्रॉब्लम है, तुझे जलन हो गई, तुझे कोई काम नहीं दे रहा, तू मोटी भैंसों के बैठी है ड्रग्स ले लेकर, हाँ दुनिया के घर खराब कर रही है, अमेरिका तो खराब करके आई। कहती आई डोंट लीव हियर, आई लीव इन अमेरिका, आई एम हियर फॉर विजिट। एक्सक्यूज मी, अमेरिका अमेरिके इंडिया की बुराई कर रही है, इंडिया के बॉलीवुड की बुराई कर रही है। हाँ कि बॉलीवुड में ऐसा होता है, तू सती सावित्री है, बहुत सती सावित्री है, तू बहुत सती सावित्री है, तेरा रिकॉर्ड अमेरिका वाले जो इंडियन कम्युनिटी है ना वो जानते हैं तू क्या करती है वहां। मैं मीडिया वालों को एक एक के नंबर दूंगी, कैसे वहां पर तू पैसा चुराती है, कैसे ड्रग्स लेती है वहां, कैसे लोगों के घर में रहती है भीख मांग मांग के अमेरिका में। I will stay here for a month. और मंथ में ही तू कांड कर देती है। तनुश्री दत्ता, तुझे क्या लगा कि तू बकवास करेगी मीडिया में बैठ के? यहाँ पे कोई तुझे जवाब देने वाला नहीं है, तेरी माँ बैठी है इधर हरामखोर और झूठ बोल रही है। हाँ मैं गाली दे रही हूं तुझे, क्योंकि तूने मेरे बॉलीवुड को गाली दी है, तूने बदनाम करने की कोशिश की है मेरे बॉलीवुड को, और जहां से हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, हमारी रोजी रोटी है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बदनाम कर रही है हमारी बॉलीवुड को, खुद पूरी दुनिया घूम रही है, टकली होकर संन्यास लेकर बैठ गई पहाड़ों पे, कोई बर्फ में कौन बैठेगा, जब तक डोप नहीं लेंगे कैसे बैठेगा यार? मैं यहां पे सबको बोलती हूं एक दिन जाके बैठ के दिखाओ। नाना पाटेकर जी तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है, गणेश आचार्य तुझे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो शरीफ इंसान है, तुझसे तो मैं निपटूंगी, समझी? अरे मेरे को एक्शन लेने के, मुझे ना पुलिस के पास जाने की जरूरत है, ना कोर्ट, ना कहीं, ये है ना मीडिया, आज तो यही सबके भगवान है, जब उसको बिठा दिया ना तो पहुंचाइए मेरा सारा मैसेज, पहुंचाया उसे, आए सामने मेरे सामने, तेरी औकात है तनुश्री, तू सामने आ मेरे, एक ना तेरे कान के नीचे चमाट लगाया ना मैंने तुझे, राखी सावंत ने, झूठी, तुझे पब्लिसिटी चाहिए तो तू जाना बिग बॉस में, वहां पे चिल्ला चीख,
वो शो तेरे लिए ही बना है। तू झूठा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर गणेश आचार्य जी, नाना पाटेकर जी, सबको बदनाम मत कर झूठा। और तू 10 साल के बाद आ रही है हिंदुस्तान में, तब बदला नहीं ले सकी, भाग गई भगौड़ी। तो तुझे क्या दाऊद अब्राहिम जी का सपोर्ट मिला है या डोनाल्ड ट्रंप जी का सपोर्ट मिला है? अयो डोनाल्ड ट्रंप जी ने तुझे कहा है यू गो टू इंडिया आफ्टर 10 ईयर्स एंड गो ऑन बजाओ बैंड टू बॉलीवुड, आई एम विथ यू, आई विल टेक यू बैक इन अमेरिका। रियली तुझे क्या लगा? राज ठाकरे जी तुझ जैसी लड़की के मुंह नहीं लगते, और जिस दिन लग गए उस दिन तेरे लग गए, समझ गई? तो राज ठाकरे जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलना, वो तो तेरे बारे में जानते भी नहीं होंगे। और एमएनएस के लड़कों के बारे में बोलना भी मत, एमएनएस के बारे में बोलना भी मत। मेरे ख्याल से उस टाइम एमएनएस के कार्ड नहीं बने थे, जब उस टाइम पे सिंटा का ही था, अगर आप देखो 2008 समथिंग या उस टाइम पे हाँ एमएनएस तो थी भी नहीं, मतलब उनके उनके भी कार्ड एसोसिएशन के है ना, तो आई डोंट थिंक सो के थे। तो कैसे ये बोल सकती कि एमएनएस वालों ने आके मुझे मारा? तेरे पास प्रूफ है? तेरे पास आज तो अच्छा मैं एमएनएस पार्टी में नहीं हूँ, तेरे से ठुकाई करती, तेरे घर में घुसो तेरी ठुकाई करती मैं, अगर मेरी पार्टी के बारे में तूने थोड़ा भी बोला होता तो। हिंदुस्तान की तू यहाँ पे खा नहीं रही है, इसका मतलब है नहीं कि तू वहां पे आके यहाँ पे उल्टियां करेगी और हम बर्दाश्त कर लेंगे। नॉट एट ऑल, आई विल गिव यू बैक, गॉट इट? मुझे कहती है लोअर क्लास, मैं हूं। मुझे कहती है चिप, मैं हूं। तू बहुत हाई क्लास है ना, तूने तेरी औकात दिखा दी इंग्लिश में बोल बोल के, और मीडिया वालों ने तुझे सर पे बिठा लिया बिकॉज तू इंग्लिश में बोल रही है। और मीडिया वालों ने ठीक है हर जगह तुझे पब्लिसिटी दी, मैं मानती हूं मीडिया का तो काम है कि जो बोलता है वो दुनिया को दिखाना है ना। और अगर यही नॉर्मल इंसान होता, तुझे छेड़ा होता, तो मीडिया वाले दिखाते भी नहीं, क्योंकि एक टारगेट तूने किया एक सेलिब्रिटी के, बड़ा स्टार नेम वहां पे, यू नो वहां पे टारगेट तूने किया, इसलिए न्यूज बज तो हो रहा है ना। और मीडिया को तो चाहिए ना जीआरपी टीआरपी, उनकी तो चाहिए, क्या करेंगे? तो जा तू और ले ले। तो किस तूने नाना पाटेकर जी, गणेश आचार्य, किसी का भी कुछ उखाड़ नहीं सकते तनुश्री दत्ता, और तेरे में हिम्मत है? तेरी माँ का दूध तूने पिया, आ मेरा उखाड़ के दिखा। कहती है ना तू यहां, मैं यहां नहीं रहती, इंडिया में नहीं रहती है ना, भाग चल निकाल अमेरिका चल। बॉलीवुड को बदनाम करती है, बॉलीवुड को बदनाम करती है तू। वो तो उस टाइम पे भी उसने मुझे सू किया था, मैं कुछ नहीं बोली, मैं 10 साल तक कुछ नहीं बोली, मैं उस टाइम भी कुछ नहीं बोली थी। मैं अपना काम करती हूँ, मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ है ना। मुझे मालूम है मेरे में डांस है, टैलेंट है, मेरा टैलेंट, मेरा ह्यूमर, मेरा बोलना बिकता है, मुझे किसी की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं है दोस्तों। और या मैं अगर मुझे लोअर क्लास बोलते हैं ठीक है मैं हूँ, मुझे कोई कितना भी बोलते हैं उसके बोलने से मेरे शरीर पे कुछ हो नहीं जाता है। मुझे लगता है कि आई डोंट थिंक सो कि ये मैंने यू नो ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं 2-3 दिन से खामोश रही। पहले मुझे लगा कि मुझे नहीं जवाब देना चाहिए, बड़ा हद हो रहा है, वो हर जगह बकवास कर रही है, इतना गंदा गंदा, जिसकी औकात नहीं है, इसको कौन पॉलिटिशियन में डाला, अभी गधी तू है, कौन बोलने वाली, सबका अपना अपना है। कल मीडिया वालों में अगर हिम्मत है, मीडिया वाले जो लोग मिलते हैं तुम लोग में हिम्मत है, उसको 1 महीना घर में रखो। नहीं, तनुश्री दत्ता ने बोला 1 महीने के बाद कि तुम, इसने मेरे को, ये एंकर ने मुझे घर में रखा, इसने मेरा रेप किया, ये बोलेगी, ये है पागल एड़ी चरसुल्ली गर्दुल्ली है, ये जरूर बोलेगी। और मीडिया वाला बेचारा वो खामोश रह जाएगा, ये सब पे इल्जाम ही लगाती है हमेशा। मैं चाहती हूँ कि उसको बिग बॉस 12 मिले, 13 मिले, 14 मिले, 15 मिले, क्योंकि जिस तरह से वो आके कर रही है यू नो, तो उसको मिले ना काम। लेकिन तुम बॉलीवुड की बुराई करके काम नहीं हासिल कर सकते हो, यू गॉट इट? हाँ ठीक है, अगर तुम्हारे साथ किसी ने गलत किया, तुम्हें बोलने का अधिकार, पुलिस स्टेशन जाओ, कोर्ट है, उनको
उन्होंने ये भी कहा था कि वो उस टाइम पे पुलिस स्टेशन भी गई थी और उन्होंने कुछ इंटरव्यूज भी दिए थे बट उसके बाद उनके पास कोई एक्शन नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसने बोला कि पुलिस स्टेशन में गई थी, पुलिस को राज ठाकरे ने खरीद लिया, नाना पाटेकर ने खरीद लिया और राखी सावंत ने खरीद लिया है। पुलिस ऐसी है क्या हमारे हिंदुस्तान की? बताओ, या तो आप लोग बोलो पुलिस गलत है, क्या किसी एक लड़की का हेल्प नहीं करेगी? जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जब कुछ नहीं मिलता तो केस बंद हो जाता है, जबरदस्ती तो अंदर नहीं डालेंगे ना। कल मैं मीडिया के सामने आके बोलूं कि राहुल गांधी ने मेरा रेप किया है, क्यों हंसे ना? हंसे ना? राहुल गांधी कहां मिले क्या मिले, मैं कल उनके साथ जाकर फोटो खिंचा लूं, कल बोलूं कि कल रात को मुझे बुलाया, मेरा रेप किया, मानोगे? नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं अपना बचाव करना जानती हूं। मैं क्यों किसी पॉलिटिशियन को जिन्होंने अपनी इज्जत बनाई है उसका नाम मैं क्यों खराब करूं? मैं बोलूंगी नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसके पक्ष में कोई आ नहीं रहा है। देखो, मैं मानती हूं ट्विंकल खन्ना ने, सोनम कपूर ने, स्वरा भास्कर ने, हाँ फरहान अख्तर ने, इन लोग को सच्चाई मालूम नहीं है ना। आजकल सोशल मीडिया बहुत ओपन है हर जगह। इन्होंने अपना एक ट्वीट किया है, इन्होंने अपना एक सिंपथी दिखाई है कि बॉलीवुड में अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो दैट इज वेरी, मतलब प्रूफ नहीं किया कि तनुश्री दत्ता के साथ हुआ है, फिर तो सपोर्ट तो प्रधानमंत्री भी करेंगे, है ना? किसी भी लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं राखी सावंत हमेशा हर लड़की की इज्जत करती हूँ, उस लड़की के लिए मर मिट जाती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो सर पे मूते, प्लीज। और मैं हमेशा अपफ्रंट रही हूं, इसलिए तुम लोगों को चुपती हूं कि ये इतना बिंदास कैसे बोल लेती है। मैं बोलती हूं, मेरे में हिम्मत है, मेरे पिछवाड़े में हिम्मत है, मैं बोलती हूं। देखिए, पहली बात मैं सच बोलूं तो अगर बॉलीवुड, आप लोग मीडिया से डरता है क्योंकि आप वो अगर न, अगर वो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट ना करे तो भी बुरे बनाओगे। आप बोलोगे ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, इस एक्टर ने इस लड़की को सपोर्ट नहीं किया है, अगर सपोर्ट कर दिया तो वो माय गॉड व्हाट अ सिंपथी ऑल बॉलीवुड इज गिविंग टू हर। उसको बेचारे को, नाना पाटेकर को अपने हाथों से गणपति बनाते हैं, पूजा करते हैं, अपना बेटा है, कल उसकी बहू आएगी, यू अंडरस्टैंड, उनका भी एक फैमिली है, और वो इतने साल बॉलीवुड को दिए हैं उन्होंने, इतना अच्छा काम किए मराठी फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में, एक झटके में एक लड़की आके उनकी जिंदगी को खराब कर देगी? क्या ये मीडिया उस लड़की को सपोर्ट करेगा, पागल लड़की को, वो मेंटल को सपोर्ट करेगा? क्या मीडिया तो दूध का दूध पानी का पानी दिखाता है? क्या मीडिया सच नहीं निकालेगा? क्यों बात करे वो, जब वो कह रहे कि मैंने नहीं किया, वो कोर्ट में बात करेंगे, मीडिया में क्यों करेंगे बात? ना उन्होंने बोला है, उन्होंने एक फोन कॉल पे इंटरव्यू पे बोला है उन्होंने कि मुझे मालूम नहीं ये क्यों बोल रही है। देखो, 50 से 100 लोग वहां पर थे। हां, ये बात बोल, सी ही इज इनोसेंट यार, और वो शायद लीगल एक्शन भी लेंगे। फिर वो मीडिया में क्यों आएंगे नाना पाटेकर जी? आप बातों का बतंगड़ बनाएंगे, वो कोर्ट में जाएंगे, इसको सबक सिखाएंगे गधी को। पहली बात तो इसका यूएस का वीजा कैंसिल होना चाहिए, ये यूएस नहीं जा सकती जब तक कि यहाँ पे प्रूफ ना हो जाए। नाना पाटेकर हुए कहते ना, ही शुड अपोलाइज, हु कौन अपोलाइज, कौन माफी मांगे तुझसे पागल एड़ी? नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, राज ठाकरे तुझसे माफी मांगे? तू आके अंग्रेजी में इधर पड़ 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 बोलेगी बगैर मतलब के, येड़ी तू मेरे सामने आ, मैं तुझे ऐसा पीटूंगे ना, तुझे पता चलेगा कि किसी पे इल्जाम झूठा लगाना क्या होता है।